लगातार एक महीने तक प्रोटीन शेक पीने से शरीर में दिखने लगते हैं ये बदलाव। जानिए फायदे और नुकसान। हर युवा वर्ग चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिल्म स्टार की तरह दिखे, इसके लिए वे घंटों जिम में पसीना बहाने के साथ साथ कई तरह के प्रोटीन पाउडर और शेक का सेवन भी करते हैं। प्रोटीन पाउडर के सेवन से मांसपेशियों का बेहतर विकास होता है, इसके साथ साथ हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रोटीन शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप नियमित रूप से प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती है। प्रोटीन पाउडर या शेक को लगातार एक महीने तक पीने से शरीर में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं डाइट मंत्रा क्लिनिक की डाइटिशियन कामिनी कुमारी से कि लगातार एक महीने प्रोटीन पाउडर या शेक पीने से शरीर में किस तरह के बदलाव नजर आते हैं। एक महीने तक प्रोटीन पाउडर या शेक पीने से होने वाले बदलाव। लगातार प्रोटीन पाउडर या फिर प्रोटीन को किसी भी रूप में लेने से आपके भूख लगने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें कैलोरी भी काफी कम होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, साथ ही कैलोरी बर्न करने में भी सहायक है। ऐसे में प्रोटीन पाउडर या शेक का सेवन करने से आपके शरीर का वजन कम हो सकता है। नींद की परेशानी होती है कब? वे प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है जो आपके डिनर के बाद आपको नींद महसूस कराती है, इससे ब्रेन रिलैक्स होता है। प्रोटीन लेने से सेरोटोनिन अधिक उत्पन्न होता है जो आपके स्ट्रेस को भी कम करती है, इससे आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। इम्यूनिटी होती है बूस्ट। दुबले पतले शरीर को हस्तपुष्ट करने के साथ साथ ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने में प्रभावी हो सकता है। इससे डैमेज कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। डायबिटीज का खतरा कम। प्रोटीन का सेवन करने से आपके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम होता है। ये टाइप 2 डायबिटीज के खतरों को कम करने में असरदार माना जाता है। इससे इंसुलिन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोटीन लेने के नुकसान। काफी ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। रिसर्च में कहा गया है अगर आप रोजाना 80 ग्राम से अधिक प्रोटीन का सेवन लगातार कई दिनों तक करते हैं तो इससे लिवर और किडनी पर असर पड़ता है।